पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग फोन में कैसे करे, और इस वीडियो में हम साउंड से रिलेटेड चीजों को कवर करने वाले हैं, जिसमें आता है वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स। अब वॉइस ओवर में हम साउंड क्लैरिटी, साउंड लेवल, पेस, एडिटिंग को कवर करेंगे, और साउंड इफेक्ट्स में हम ध्रुव राठी के द्वारा इस्तेमाल किए गए इन 7 इफेक्ट्स को देखेंगे। साउंड की बात करते हैं। ये जो माइक्रोफोन है मैंने खरीद रखा है करीब 5-6 हजार का है। अब आपको ध्रुव राठी जैसे क्लियर वॉइस के लिए कोई भी 6 हजार का माइक लेने की जरूरत नहीं है। आप इवन इस 200 रुपए के माइक से भी काम चला सकते हैं। इवन मैं भी इसी माइक का इस्तेमाल करता हूँ। और एक माइक से आपकी वॉइस में क्या डिफरेंस आता है उसका प्रीव्यू ये रहा। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बिना माइक के बोल रहा हूँ, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं माइक के साथ बोल रहा हूँ। माइक से बेसिकली आपकी रूम की एको कवर हो जाती है, और साथ में आपके मुंह से जो हवा निकलती है बोलते टाइम उसे भी कवर अप किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी माइक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप अपने फोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, कीप माइक एट अ स्टेबल पोजीशन। अगर आप फोन हाथ में पकड़ के वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी वॉइस में डिस्टेंस का फर्क आता रहेगा, क्योंकि आप हर टाइम सेम जगह पे फोन नहीं रख सकते, आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर ले। इससे अच्छा है कि आप किसी ट्राइपॉड पे अपना फोन अटका दीजिए या फिर किसी चीज के ऊपर अपना फोन रख दीजिए, और फिर एक पोजीशन में बैठ के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें। इससे आपकी वॉइस की वॉल्यूम में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, वरना आपके साथ ऐसा होगा। नमस्कार दोस्तों, देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। नंबर 2, कीप योर फोन हॉरिजॉन्टली। अगर आप फोन के माइक को अपने मुंह के पास रख के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा आपकी वॉइस में स और फ के वर्ड्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप जब ये वर्ड्स बोलते हैं तो आपके मुंह से एक हवा निकलती है और आपका फोन उन वर्ड्स की जगह उस हवा को ज्यादा कैप्चर करेगा, जिसकी वजह से आपकी वॉइस खराब हो जाएगी। अब इस चीज से बचने के लिए अपने फोन को हॉरिजॉन्टली रखिए, एक स्टेबल पोजीशन पे रखिए, और खुद भी एक स्टेबल पोजीशन पे बैठ के या फिर खड़े होकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। इससे आपके वॉइस में साउंड क्लैरिटी अच्छी रहेगी, साउंड लेवल पे डिफरेंस नहीं आएगा, और एको भी कंट्रोल में रहेगा। अब वॉइस तो आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन बोलना कैसे है इस चीज को देखते हैं। सोचिए, अगर ध्रुव राठी अपनी वीडियोस इस स्पेस में बनाता। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, तो क्या आप लोग उनकी वीडियो देखते? बिल्कुल भी नहीं। और यही एक सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटे क्रिएटर का वीडियो उठाया है जो सेम तरह की वीडियोस बनाता है, जरा इसे देखिए। सोते हुए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देख अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब इस वीडियो की पेस इतनी स्लो है कि लोग इसको जितनी जल्दी ओपन करेंगे उतनी जल्दी बंद करके चले भी जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पेस को किस तरह ठीक करें, तो इसका आंसर ध्रुव राठी ने खुद ही दिया है। इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने शुरू में क्या आइडिया अपनाया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को लो, जैसे ये एक एयरपॉड है, मैं इसे यहाँ रखूंगा और इमेजिन करूंगा ये एक आदमी है, और जैसे आप किसी आदमी से कहानियां बताते हो या किसी भी तरह की बात करते हो, मैं इसे एयरपॉड से वैसे ही बात करूंगा। वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम आपको ये सोचना है कि आप अपनी किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तभी जाके आप अपनी नेचुरल पेस में बात करेंगे, और वही सबसे बेस्ट तरीका है अपनी पेस को नॉर्मल रखने का, वरना आप नर्वस होकर अपनी वॉइस या तो बहुत स्लो कर लेंगे या फिर बहुत ही फास्ट कर लेंगे। और इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्पेस से, यानी आप बोलते टाइम किस वर्ड के बाद कितना स्पेस ले रहे हैं या फिर कितना पॉज ले रहे हैं, उससे आपकी वॉइस की पेस डिसाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आप लोग गलती करते हैं वो है एम्फेसाइजिंग। एक बार जरा इन क्लिप्स को देखिए कि वीडियो बनाते कैसे, यूट्यूबर कैसे बनते हैं, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो एक लाइन में डिजाइन किया गया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे ध्रुव ने यूट्यूबर और लाइन वर्ड पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाला है, और बिल्कुल इसी तरह वो अपने हर सेंटेंस में किसी ना किसी इम्पोर्टेंट वर्ड पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जिससे वो टाइम टू टाइम आपकी अटेंशन ग्रैब करते रहते हैं और आपको वीडियो बंद नहीं करने देते हैं। और वहीं हम लोग वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम कुछ ऐसा करते हैं। ध्रुव राठी हमें देते हैं नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन, हमारे को एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर ये लाइन ध्रुव राठी बोलता तो उसको कुछ इस वे में बोलता, ध्रुव राठी हमें देता है नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन, हमें एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया, मैंने नॉलेज वर्ड पे एम्फसाइज किया, और इससे आपके इंटरेस्ट में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तीसरी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वो है स्टैमरिंग, यानी हकलाना। अगर आप काफी देर से कोई चीज बोल रहे हैं तो उस पे हकलाना बहुत ही नॉर्मल बात है, और ये प्रॉब्लम ध्रुव राठी को भी फेस करनी पड़ती है, जिससे वो इस वे में टैकल करते हैं। इसी रीजन से एक 10 मिनट के वीडियो को बनाने में मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी बार लाइनों को दोहराता हूँ जब तक मुझे लगता नहीं कि मैंने उन्हें परफेक्ट तरीके से बोल दिया हो।
अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम हकलाते हैं तो पूरी स्क्रिप्ट बोलने की जगह या फिर पूरा पैराग्राफ बोलने की जगह आप एक एक सेंटेंस को रिकॉर्ड कीजिए। अब एक एक सेंटेंस से मेरा मतलब यही नहीं था कि सिर्फ एक ही वर्ड बोलिए या फिर एक ही लाइन बोलिए, अगर आप दो तीन लाइन बिना हकलाए बोल सकते हैं तो उतना रिकॉर्ड कीजिए। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता है तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कीजिए, और जहाँ पे भी आप हकलाते हैं या फिर कुछ भी होता है तो आप वहाँ पे एक रीटेक ले सकते हैं। इवन कई बार ध्रुव राठी को भी 20 रीटेक्स लेने पड़ते हैं, तो हमारा रीटेक लेना बहुत ही नॉर्मल है। अब अगर आप प्रीवियस सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे अब हम और भी बेटर बनाएंगे एडिटिंग से। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे जाके लेक्सिस ऑडियो एडिटर डाउनलोड कर लेना है। आप चाहे तो इस ऐप में अपनी वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम अपनी वॉइस इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे जिसपे क्लिक करके आपको इफेक्ट्स में आ जाना है। अब अगर आप इफेक्ट्स में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मलाइज, रिवर्स, चेंज पिच, चेंज टेम्पो एंड ऑल दैट। अब हमें यहाँ पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि इन सारे इफेक्ट का सार हमें सिर्फ एक ही इफेक्ट के अंदर मिल जाता है, जो कि है इक्विलाइजर या एम्पलीफायर। जब आप ये खोलेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसको अप डाउन करके आप अपनी वॉइस एडिट कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट के 5 लाइन्स है ये आपकी बेस के लिए है और राइट वाले आपके थ्रेशोल्ड के लिए। बेस आपकी वॉइस को डेप्थ देता है, यानी वो आपकी वॉइस को या तो भारी कर देता है या फिर पतली कर देता है। वही थ्रेशोल्ड आपकी वॉइस में क्रिस्पीपन लाता है। अगर आप थ्रेशोल्ड को कम कर देंगे तो आपकी वॉइस में जो हल्का सा तीखापन होता है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। कई लोगों को तीखी वॉइस पसंद होती है या फिर क्रिस्पी वॉइस पसंद होती है, तो वो अपनी वॉइस में थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हैं। अब हर किसी की वॉइस अलग होती है तो आपको अपने अकॉर्डिंग इन सेटिंग्स को देखना होगा। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और 1-2 दिन आराम से लगा सकते हैं अपनी अच्छी वॉइस ढूंढने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके काम आने वाली है। अब मुझे इक्वलाइजर में कोई भी इफेक्ट काम नहीं आता है तो मैं सिर्फ अपनी पिच को हल्का सा लो करके अपने वॉइस में भारीपन देके एक मैजिकल टूल के पास जाऊंगा जो कि बिना मेहनत के आपकी वॉइस को सीधा 10x बेटर बना देगा, और इस टूल का नाम है Adobe Podcast। ये एक AI वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपनी वॉइस को अपलोड कर सकते हैं और वो आपकी वॉइस को एम्फसाइज करके और भी बेटर बना के दे देता है। ये ज्यादा से ज्यादा आपके 2 से 5 मिनट लेगा और आपकी वॉइस को 10x बेटर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। अब आपने अपनी वॉइस ओवर तो काफी अच्छी कर ली, लेकिन सिर्फ वॉइस ओवर वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से लोग ध्रुव की वीडियोस पे रुकते हैं, वो फैक्टर है बैकग्राउंड म्यूजिक। अब डॉक्यूमेंट्री टाइप बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने के लिए आप इन्फ्रेक्शन नो कॉपीराइट म्यूजिक के चैनल पे जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 197 म्यूजिक्स के पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री टाइप सी है, और इसको आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते बिना कॉपीराइट के डर के। बस आप एक बार इनके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना क्योंकि किसी किसी म्यूजिक में आपको एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैंने भी आपके लिए 25 प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक्स ऑलरेडी डाउनलोड करके अपनी एक फाइल में डाल दी है, और लिंक मैंने कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स मैंने स्टोरी ब्लॉक से डाउनलोड किया है और ये सारे प्रीमियम है जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें भी कम पड़ती है और आप कुछ यूनिक ढूंढ रहे हैं तो आप सस्पेंस, थ्रिल या फिर डिस्कवरी जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको काफी अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक्स मिल जाएंगे। अब इससे पहले कि आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करें, आपको साउंड इफेक्ट्स ऐड करने होते हैं, और वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम ध्रुव राठी की एक क्लिप को जरा एनालाइज कर लेते हैं कि वो किस तरह साउंड इफेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने अभी तक ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ध्रुव की वीडियोस में वो जब भी कोई एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं या फिर अपना टॉपिक रिवील करते हैं तो उनके बैकग्राउंड म्यूजिक में एक बेल की आवाज आती है। जरा ध्यान से सुनिए। इंडिया वर्सेस भारत। इसके बाद ध्रुव जब भी कोई आर्टिकल दिखाता है तो उससे पहले एक क्लिक की आवाज आती है, फॉर एग्जाम्पल कि मोदी सरकार लाइकली एक, और जब टेक्स्ट चेंज होता है तो एक ग्लिच टाइप आवाज आती है, आप देख सकते हैं, बदलकर भारत नाम रख दिया जाए। और क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टाइप थी तो इसके पीछे भी एक छोटा सा बेल का म्यूजिक आता है, रख दिया जाएगा ये खबर फैलते। और इसके बाद जब ध्रुव लाइट ट्रांजिशन का यूज करता है तो दोबारा से एक क्लिक की आवाज आती है, बेहतर कुछ गोदी मीडिया है। और ठीक इसी तरह जब वो अपने वीडियो का नंबर शो करने वाले होते हैं तो उससे पहले एक थ्रिल या फिर एक सस्पेंस टाइप म्यूजिक बजता है जो कि इंटरेस्ट जगा देता है। का नाम बीजेपी रखेंगे, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। और वीडियो नंबर उनका एक वो साउंड के साथ आता है, उड़ गए होते। तो अब हम इसी क्लिप को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें काइनमास्टर ओपन करना है और अपनी वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। उसके बाद हम मार्कर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल सही जगह पे रख के उसे अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि ये एक अनाउंसमेंट है तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग बेल साउंड का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट थोड़ा बड़ा है तो हम इसे ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम राइट करके। और इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे डकिंग। डकिंग करता क्या है कि वो आपके साउंड को थोड़ा सा कम कर देता है या फिर कंप्रेस कर देता है जिससे लगता है कि आपकी वॉइस एक्चुअली में पीछे से आ रही है, तो इस तरह आपकी वॉइस ओवर इंटरप्ट नहीं होती है। अब ये लगाने के बाद हम एक बार क्लिप को प्ले करके देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है।
अब आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे बेल की आवाज थोड़ी ज्यादा थी, तो इसे ठीक करने के लिए हम जाएंगे वॉल्यूम एनवलप पे और स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा लो कर देंगे और एंडिंग पॉइंट को बिल्कुल ही लो कर देंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि हमारी वॉइस फेड आउट हो रही है। एक बार दोबारा रिप्ले करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी अभी ये परफेक्ट है। इसके बाद जहाँ हमारा आर्टिकल अपीयर हो रहा है वहाँ पे मार्कर रख के हम क्लिक वाली साउंड को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस पे भी डकिंग अप्लाई कर देंगे और फिर हम जाएंगे मिक्सर में। यहाँ पे आके हम इसकी वॉल्यूम को हल्का सा कम कर देंगे और एक बार रिप्ले करके देखेंगे। मुझे वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा लगी, इसलिए मैंने इसकी वॉइस थोड़ी और भी कम कर दी है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली। अब इस पॉइंट पे हमारा टेक्स्ट चेंज होने वाला है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना ग्लिच इफेक्ट। ऑडियो में जाके ग्लिच एक्टिव को ऐड कर लेंगे और इसे भी डकिंग कर लेंगे और फिर मिक्सर में जाके इसे भी हल्का सा लो कर लेंगे और प्ले करेंगे। भारत नाम रख दिया जाए। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने साइड लेना चालू कर दिया, सो ये परफेक्टली सिंक कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन आने वाली है, तो यहाँ पे हम अपने मार्कर को रख के क्लिक साउंड ऐड करेंगे और इस पे भी डकिंग अप्लाई कर देंगे और मिक्सर में जाके वॉल्यूम इसकी थोड़ी सी कम कर देंगे। कुछ मीडिया एंकर्स ने तो इस पे पोल्स भी चला दिए, बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। इसके बाद मैं क्लिप को एक बार दोबारा रिप्ले किया और मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे एक छोटी बेल की साउंड नहीं लगाई, तो अब हम उसे भी ऐड कर लेंगे और उस पे भी डकिंग अप्लाई करके मिक्सर में जाके इसकी वॉल्यूम कम कर देंगे। इसके बाद आपको जाना है वॉल्यूम एनवलप पे और स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा लो और एंडिंग पॉइंट को पूरा लो कर देना है, ताकि फेड आउट वाला इफेक्ट इस पे भी मिल जाए। और एक बार रिप्ले करके देख लेते हैं। अब हमें वीडियो स्टार्ट होने से पहले वाला सस्पेंस और एनर्जी क्रिएट करनी है, तो हम ऐड करेंगे राइजर इफेक्ट। इसके बाद हम इसे सही पोजीशन पे रखेंगे और मिक्सर में जाके इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देंगे और इस पे भी डकिंग अप्लाई कर देंगे। मैं एक बार इसे रिप्ले करके देख लेता हूँ। अब हम टेक्स्ट की एंट्री के लिए वो इफेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम उसे ऐड कर लेंगे और इस पे भी डकिंग अप्लाई करने के बाद इसकी वॉल्यूम हल्की सी कम कर देंगे। अब टेक्स्ट जिस तरह स्लाइड होके आया था जा भी उसी तरह रहा है, तो हम इस वुश इफेक्ट का एक डुप्लीकेट बना लेंगे और उसे एंड में लगा देंगे और फिर इसे एक बार रिप्ले करके देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे साउंड इफेक्ट थोड़ा सा जल्दी आ गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर दूंगा और एंड पे लगा दूंगा। अब हमारे साउंड इफेक्ट का सारा काम हो गया है और हम ऐड करेंगे अपना बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद आपको इस पे भी डकिंग अप्लाई कर देना है और वॉल्यूम को थोड़ा सा लो कर लेना है और एक बार दोबारा से रिप्ले करके देखना है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद मुझे बेल की आवाज थोड़ी कम आई, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा अप कर देंगे और एंडिंग पॉइंट को भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और ये सब करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये रही मेरी क्लिप बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट से पहले की। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक नया रेजोल्यूशन लेके आने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए, इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाए। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने साइड लेना चालू कर दिया, इंडिया बेटर है या भारत बेटर है। कुछ मीडिया एंकर्स ने तो इस पे पोस्ट भी चला दिए, बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। और इसी क्लिप को हमने साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद कुछ ऐसा बना दिया।
नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक नया रेजोल्यूशन लेके आने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए, इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाए। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने साइड लेना चालू कर दिया, इंडिया बेटर है या भारत बेटर है। कुछ मीडिया एंकर्स ने तो इस पे पोल्स भी चला दिए, बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी का कॉपीकैट चैनल बना रहे हो तो लोग आपको क्यों देखना चाहेंगे। बिल्कुल सेम वे में आपको किसी की एडिटिंग स्टाइल को कॉपी नहीं करना है। ये बिल्कुल ध्रुव राठी की चॉइस है कि वो अपने साउंड इफेक्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको उस तरह की वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल सेम चीजें कॉपी नहीं करनी है। आप साउंड इफेक्ट्स को अपने वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्लिप अगर मेरे द्वारा बनाई जाती तो मैं इसमें साउंड इफेक्ट्स को इस तरह इस्तेमाल करता। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक नया रेजोल्यूशन लेके आने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए, इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाए। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने साइड लेना चालू कर दिया, इंडिया बेटर है या भारत बेटर है। कुछ मीडिया एंकर्स ने तो इस पे पोल्स भी चला दिए, बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। अब हमने किसी की कॉपी नहीं की और क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं आया। आपको एक्चुअली में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एडिटिंग की। जो इफेक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ध्रुव राठी उन इफेक्ट्स को भी अलग अलग वे में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस को, यहाँ पे ध्रुव ने वो इफेक्ट का इस्तेमाल किया है जबकि हमने वो इफेक्ट टेक्स्ट के लिए यूज किया था। बहुत सारी बार किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52। और यहाँ पे पेस्ट टर्न का इफेक्ट इस्तेमाल किया गया है जबकि हमने यहाँ पे क्लिक का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे ध्रुव ने एक एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया है रॉकेट लॉन्च का, सूरज की तरफ है। आइए समझते हैं इस मिशन को गहराई से आज के इस वीडियो। और अगर आपको भी इस तरह के साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने हैं तो आप पिक्सावे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने सारे साउंड इफेक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप ध्रुव राठी के साउंड इफेक्ट्स तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन अगर आपको खुद का एडिटिंग स्टाइल क्रिएट करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एडिटिंग के बेसिक सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, टाइमिंग, सही इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना, सही ट्रांजिशन सही जगह पे लगाना, ट्रांजिशंस क्रिएट करना और ऐसे अलग अलग स्टफ सिखाऊंगा जो कि आपकी एडिटिंग को 10x बेटर कर देंगे। एडिटिंग तो चलो आपने पूरी सीख ली, लेकिन कंटेंट कहां से रिसर्च करें और स्क्रिप्ट को किस तरह तैयार करें ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो के बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डालूंगा और जिस भी टॉपिक के ऊपर ज्यादा पोल आएंगे मैं उस टॉपिक पे पहले वीडियो क्रिएट करूंगा। और अगर आपको जानना है कि मैंने अपना चैनल इतनी जल्दी ग्रो कैसे किया है तो इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें मैंने अब 4 पॉइंट्स के अंदर अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।